हाय अंजी, गुड आफ्टरनून। फर्स्टली आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज बिकॉज ऑफ माई स्टाफ। आज वो लोग दोनों छुट्टी पे हैं, बोथ माई मैनेजर्स। सो आई विल जस्ट रन थ्रू यू विथ योर किचन। आई विल टेक यू थ्रू कि कहाँ हमने क्या बनाया एंड वॉट ऑल वी हैव इंक्लूडेड इन द किचन। सो दिस इज एन ओवरऑल लुक ऑफ योर किचन। ये आपका एक यू शेप का किचन है जहाँ पे हमारी कुकिंग इज ऑन द फ्रंट साइड। सामने वाली वॉल पे कुकिंग है और लेफ्ट वाली वॉल जो है वो हमारी बेसिकली स्टोरेज वॉल हो गई। जो सो फ्रिज हुआ हमारा, पैंट्री यूनिट्स हुई, वो सारी लेफ्ट साइड पे आ गई। सारी ग्रोसरीज वहीं पे स्टोर होगी, वेजिटेबल्स भी वहीं पे स्टोर होने हैं। एंड जो राइट वाली वॉल है वहां पे हमारा वॉशिंग एरिया हो गया। सो जितनी भी वॉशिंग एंड डिशेस का काम है वो अपना राइट साइड पे हो गया। सो दिस मेक्स अ वेरी गुड ट्राइंगल, तो काम करना भी काफी कन्वीनियंट रहेगा यहाँ पे। सो नाउ मैं आपको एक किचन को पूरा लेफ्ट से राइट तक पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ हमने क्या प्लान किया है। सो लुकिंग एट द लेफ्ट वॉल टू स्टार्ट विथ, वी हैव आर रेफ्रिजरेटर। एक फ्रिज की हमने जगह छोड़ी हुई है, डबल डोर के हिसाब से फ्रिज की 3 फीट की जगह छोड़ दी। एंड उसके बाद जो है एक 3 फीट का हमारे पास डबल डोर का पैंट्री यूनिट आ गया। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमें क्या करना है। हम शेल्व्स ले सकते हैं, हम ड्रॉर्स वाली फिटिंग ले सकते हैं विच इज कॉल्ड अ स्पेस टावर, विच इज अ सेट ऑफ 5 ड्रॉर्स। और वॉट वी कैन डू इज हमारे पास 24 बास्केट्स का पैंट्री यूनिट भी आ सकता है जिसमें आपके 12 बास्केट्स पल्लों पे रहेंगे और 12 बास्केट्स अंदर रहेंगे। सो वी कैन कीप मोर एसक्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। एंड उसके ऊपर की जो जगह है दैट इज जस्ट अ स्पेस जो आप स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हो। नाउ फ्रंट वॉल अगर आप देखते हो, इफ यू सी द फ्रंट वॉल, फ्रंट वाली वॉल जो है जहां पे हमने कुकिंग प्लेस किया हुआ है, उसके नीचे आपका मतलब ऊपर चिमनी हो गई, नीचे आपका कुकिंग हो गया। उसके नीचे वी हैव गिवन यू 5 ड्रॉर्स और एक बॉटल पुल आउट। सो बॉटल पुल आउट आपका बेसिकली हो गया फॉर स्पाइसेस, बॉटल्स, ऑयल, विनेगर, केचप, ऑल दो स्टफ। कुकिंग के जस्ट नीचे जो ड्रॉर है वो आप कटलरी के लिए यूज कर सकते हो। उसके नीचे वाला जो ड्रॉर है दैट वी कैन यूज इट फॉर फॉइल पेपर, फ्रेश रैप, नाइफ होल्डर, ऑल दो स्टफ। उसके नीचे वाला जो बड़ा ड्रॉर है वहां पे आप प्लेट्स रख सकते हैं, हम थाली रख सकते हैं। वी कैन कीप यूटेंसिल्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जैसे आपका छोटा टोपिया हो गया, सस्पेन हो गया, वो सब हम वहां पे रख सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव टू इक्वल साइज ड्रॉर्स विच अगेन वी कैन यूज फॉर स्टोरिंग यूटेंसिल्स, वेरियस सॉर्ट ऑफ यूटेंसिल्स आप वहां पे रख सकते हो। और यू कैन यूज इट फॉर ग्रोसरी जो आपको बहुत इमीडिएटली चाहिए होता है। लेफ्ट साइड वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर अगर आप देखते हो तो नाउ कॉर्नर स्पेस इज अ लिटिल डिफिकल्ट स्पेस टू यूज। तो यहाँ पे हम एक कॉर्नर यूनिट यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक मैजिक कॉर्नर लगा सकते हैं या एस क्राउजर लगा सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। एंड ऑन द राइट साइड वी हैव अ कॉर्नर विच वी विल यूज फॉर सिलेंडर। तो यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे आपके 2 सिलेंडर आ जाएंगे, इतनी स्पेस है। एक स्पेयर सिलेंडर आप रख सकते हो, एक रेगुलर सिलेंडर रख सकते हो। इसका जो पाइप रहेगा वो पीछे से अंदर से ही हम स्पेस बना देंगे। नाउ उसके बाद आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू ऑन द वॉल पार्ट कि आपके वॉल पे क्या है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर आप देखोगे तो जो कैबिनेट हमने बनाया दैट इज एन ओपन कैबिनेट। सो ये ओपन कैबिनेट इसलिए बनाया कि यहाँ पे एक थोड़ा सा तो लुक में भी एक ब्रेक आ जाता है, थोड़ा एक डिजाइन एलिमेंट दे सकते हैं हम यहाँ पे विथ लाइट्स एंड एवरीथिंग। एंड सेकेंड थिंग इज कि बिकॉज ये कॉर्नर है ओपन रहता है तो हमें इट्स इजी टू एक्सेस। देन ऑन बोथ द साइड ऑफ चिमनी वी हैव लिफ्ट एंड फोल्ड हार्डवेयर, सो व्हेन वी आर यूजिंग इट व्हाइल कुकिंग द शटर्स डोंट डिस्टर्ब अस। जो पल्ले रहेंगे इन बॉक्सेस के वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड ऑन द एक्सट्रीम राइट अगेन वी हैव अ नॉर्मल स्टोरेज विद अ स्विंग स्विंग ओपनेबल शटर। जो आपकी वॉशिंग वाली वॉल है वहां पे इफ यू सी, सो आफ्टर सिलेंडर वी हैव अ स्टोरेज। ये बस एक शटर है और इसके अंदर शेल्फ है बिकॉज मोस्ट ऑफ योर किचन इज विद ड्रॉर्स एंड एवरीथिंग। सो ये एक हमने मल्टीपर्पज स्टोरेज एरिया दिया जहां पे शेल्फ होगा, आप कुछ भी रख सकते हो अंदर एज पर योर कन्वीनियंस। जैसे हमें सब्जी के झोले हैं या फिर कुछ एनी काइंड ऑफ बैग्स एंड ऑल यहाँ पे रखे जा सकते हैं। नाउ वी हैव टू सिंक, एक छोटा सिंक हो गया, एक बड़ा सिंक हो गया। छोटा सिंक जो है इसके नीचे अगर आप देखो तो आपका एक सिंक वाला ड्रॉर है जो आपने मेरे डिस्प्ले पे देखा था। सो दिस ड्रॉर इज अ यू शेप ड्रॉर जहां पे आप अपने सारे क्लीनिंग एजेंट्स रख सकते हैं। एंड उसके नीचे वाला जो ड्रॉर है अगेन वी कैन यूज इट विथ सम ऑर्गेनाइजर्स। उस ड्रॉर के लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जहां पे
बहुत सारी चीजें हम क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे हमारे पूरे घर के जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो वहां पे आ सकते हैं। एंड जो सिंक वाला, जो प्रॉपर सिंक हो गया हमारा, विच वी विल बी यूजिंग फॉर डिशेस, वो डबल वॉल सिंक है। उसके नीचे की जो जगह है दैट वी विल यूज फॉर डस्टबिन और मे बी वाटर प्यूरिफायर, अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर, तो ये सब चीजों के लिए वो वाली जगह यूज हो जाएगी। उसके जस्ट ऊपर की जो कैबिनेट है, ये हमारे पास दो इक्वल साइज कैबिनेट्स हैं, बिग साइज कैबिनेट्स। इसके अंदर एक तो हम GTPT रख सकते हैं, विच इज अ ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे, सो हम डिशेस को एंड बाउल्स को अरेंज करके रख सकते हैं, और वी कैन गो विथ अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ यूटेंसिल बास्केट। तो यहाँ पे जब डिशेस हम करते हैं, वो सारी डिशेस या बाउल्स कटलरी सब हमने यहाँ पे अरेंज कर ली, एंड उसका पानी जो है वो ड्रिप होके नीचे सिंक पे ही आ जाता है। एंड उसके जो लेफ्ट वाला कैबिनेट है, ये हम यूज कर सकते हैं फॉर गीजर, वाटर प्यूरिफायर, इफ यू वांट टू गो फॉर अ वॉल हंग वाटर प्यूरिफायर, सो ये उसके लिए यूज हो जाएगा। सो दिस इज ओवरऑल किचन का एक्सप्लेनेशन जो आपका बन रहा है। एंड अगेन, अब यहाँ पे एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये किचन जो है, यहां तक आप देखो, ये जो लाइन एक दिख रही है आपको, दिस इज अप टिल 8 फीट, ये मैक्सिमम हाइट है जो हम कन्वीनियंटली रीच कर सकते हैं, और आपके वहां पे जो जगह है दैट इज ऑफ 10 फीट। सो उसके ऊपर की जो 2 फीट की ये जो जगह है, ये आई विल रिकमेंड कि आप इसको सिर्फ कवर कर लो, लॉफ्ट एरिया है ये, हम सिर्फ कवर कर सकते हैं, एंड वी डोंट गो फॉर अ स्टोरेज ऑप्शन इन दिस एरिया। इट विल लुक लाइक अ प्रॉपर फर्नीचर, बट अंदर स्टोरेज की जगह नहीं होगी। हाउएवर, अगर वो जगह भी हमें स्टोरेज के लिए यूज करनी है, तो वी हैव ऑप्शंस फॉर दैट ऑल्सो, वी कैन मेक अ प्रॉपर कैबिनेट फॉर दैट एरिया एज वेल। सो दिस इज ओवरऑल आपका किचन का एक बेसिक रिव्यू। सो आई जस्ट रन यू थ्रू द कोटेशन एज वेल, रफ आइडिया ऑन वॉट द कोट वुड बी लाइक। ये एक डिटेल हो गई आपकी हार्डवेयर की। सो वी हैव गॉट टू ऑप्शंस, हम हैफले के हार्डवेयर भी यूज कर सकते हैं, नॉन हैफले भी यूज कर सकते हैं। However, I will recommend कि आप हैफले का हार्डवेयर ऑप्ट करो, बिकॉज दोज हार्डवेयर कम विद अ वेरी वेरी लॉन्ग वारंटी, लाइक ड्रॉर्स कम विद 15 ईयर्स वारंटी, बाकी हार्डवेयर 10 साल की वारंटी के साथ आते हैं, एंड द क्वालिटी इज फिनोमिनल। सो आप देखोगे तो बहुत सारे हमने ड्रॉर्स यूज किए हैं, एक मैजिक कॉर्नर भी यूज किया है, एंड देन वी हैव अ पैंट्री यूनिट ऑल्सो। सो पैंट्री यूनिट में स्पेस टावर लगा सकते हैं हम, और जैसा मैंने बोला कि 24 बास्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। Then we have lot of small accessories like cutlery tray, thali holder, rubber mat, ये सब चीजें रहेंगी। अच्छा, one more thing is that कि ये पूरा किचन हम handleless बना रहे हैं, एक भी handle नहीं रहेगा इस किचन में। So we can either go for a gola profile or we can go for a G profile, जो भी आपको look wise पसंद आ रहा हो वो profile हम use कर सकते हैं। So this whole kitchen would cost, अगर हम acrylic shutters में जाते हैं, जो आपने मेरे यहाँ पे एक brown color का kitchen देखा था, सो 2 mm एक्रेलिक शटर्स, उस शटर में अगर हम किचन बनाते हैं, सो वो लुक में अपना होल किचन विल कम फॉर 3,15,000। लॉफ्ट एरिया इफ यू गो फॉर कवर एंड नॉट फॉर स्टोरेज, इट विल कॉस्ट अस अबाउट 40,000। हार्डवेयर अगर आप देखो तो हार्डवेयर में देयर इज अ कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन हाफले नॉन हाफले ऑफ अबाउट 60-65,000 रुपीज। सो टोटल किचन जो है आपका, वो 5 से 6 लाख रुपए के बीच में रेंज करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शंस यू मेक। सो दिस इज व्हाट आई हैव मेड। नाउ प्लीज शेयर विद मी योर इनपुट्स कि कहीं पे कोई हार्डवेयर आपको ऐड करना है या लेस करना है या कुछ भी चेंजेस करना है। सो अकॉर्डिंगली विल मेक मेक दोस चेंजेस एंड गिव यू अ फाइनल ड्राफ्ट। सो प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस किचन।